आउज़बिलीम बसमिल्लर आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद आज हम फिज़िक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड अगला हमारा टॉपिक होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के बारे में हमने इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिस्कस की जिसमें हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ थी और कुछ यूनिट्स हमने डिस्कस किए कुछ कन्वर्जनस हमने पढ़ी आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो मेजरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उससे पहले हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई श्वेब को भेजा इसने कहा अम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है और नाप तोल में कमी ना करो आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा ये कुरान की आयत सूरत नंबर 11 आयत नंबर चौरासी टॉपिक स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? अगर हैं अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इफ़ एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ दैट नंबर अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट है जो एकट वैल्यू आ रही है उसकी जो एकट नंबर्स आ रहे हैं उसके जो एकट डिजिट्स आ रहे हैं उसके और उसी के साथ अगर पहला जो डाउटफुल डिजिट है उसको कंक्लूड कर लें हम तो उसको हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम कैसे होंगे जैसे फॉर एक्जाम्पल आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई आ जाती है ठीक है यानी उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं डेसीमल में हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू नहीं है सिग्निफिकेंट का मतलब वैल्यूएबल होती है यानी कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं उसका असर जो है वो नंबर्स पर आ रहा है फिगर पर आ रहा है और कौन कौन से नंबर्स कौन कौन से डिजिट्स ऐसे हैं जिनका असर जो है वो फिगर्स के ऊपर नहीं आएगा तो हम इसके कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अगर हमारे पास नंबर है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स मौजूद हैं तो हम स्टार्ट करते हैं पहला रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं आप जानते हैं नॉन जीरो नंबर्स यानी जीरो के अलावा जो भी नंबर्स हैं लाइक वन से लेकर नाइन तक यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तमाम के तमाम जो हैं वो क्या हैं नॉन जीरो हैं और तमाम के तमाम ही क्या हैं सिग्निफिकेंट हैं जैसे वन ट्वेंटी थ्री एक नंबर है वन ट्वेंटी थ्री इसमें कितने फिगर्स आ रहे हैं कितने डिजिट्स हैं इसमें तीन डिजिट्स हैं वन टू एंड थ्री तो तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हैं यानी इसमें वन भी सिग्निफिकेंट है टू भी सिग्निफिकेंट है और थ्री भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल है तो पहला रूल ये हो गया कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं चाहे वो किसी प्लेस पर मौजूद है चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हैं जिस जगह भी मौजूद हैं तो तमाम नॉन जीरो नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा होंगे नेक्स्ट रूल देखते हैं जीरो अपेयरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट दूसरा रूल बहुत सिंपल बहुत सादा यानी अगर जीरो दो नॉन जीरो नंबर के दरमियान में मौजूद है जैसे यहां एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सेवन जीरो जीरो थ्री अब सेवन और थ्री दोनों नॉन जीरो हैं और उनके दरमियान में जीरो मौजूद हैं तो अगर जीरो दरमियान में आ रहा होगा नॉन जीरो के तो फिर वो क्या होगा वो भी सिग्निफिकेंट शुमार होगा जैसे उसने लिखा फॉर एग्जाम्पल सेवन जीरो वन या टू पॉइंट फाइव जीरो थ्री अगर इस तीन फिगर्स तीन नंबर जो हमें दिए हुए हैं इन पर हम गौर करें तो हमें पता ये लग रहा है कि इसमें जो जीरो है वो हमेशा कहां आ रहा है नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो ये जीरो भी क्या होगा काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसलिए लिखा गया कि इन तीनों फिगर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स फिगर्स हैं? हैं। चार सिग्निफिकेंट है, यानी 7, 0, 0, तो 7 भी सिग्निफिकेंट है दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है और थ्री भी सिग्निफिकेंट है तो यानी इस नंबर में चार सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। इसी तरीके से फोर्टी पॉइंट सेवन वन और टू पॉइंट फाइव जीरो थ्री में भी चार चार सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ जीरो अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट अच्छा अगर जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा होगा यानी उनके सामने होगा उनसे शुरू में होगा जैसे नंबर्स दिए हुए जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट वन जीरो पॉइंट फाइव सिक्स जीरो पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री अब ये क्या होंगे नॉट सिग्निफिकेंट यानी ये जीरो काउंट नहीं होंगे सेकेंड रूल में हमने पढ़ा था कि अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा होगा तो फिर वो सिग्निफिकेंट है लेकिन थर्ड रूल हमें बता रहा है कि अगर जीरो नॉन जीरो के फ्रंट पर होगा यानी स्टार्ट में होगा तो फिर वो क्या होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो यहां पर जितने भी नंबर्स गिवन है जैसे 0.0081, 0.56 या 0.00033 अब इसमें जितने भी जीरोज आ रहे हैं ये सबके सब सिग्निफिकेंट सब नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि इन तीनों फिगर्स में इन तीनों नंबर्स में सिर्फ कितने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं जैसे जीरो में कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एट और वन इसी तरह जीरो में फाइव और सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर है इसी तरह जीरो जीरो थ्री में जो दोनों थ्री हैं, थ्री और थ्री सिग्निफिकेंट हैं जीरो नेक्स्ट रूल है एंड ऑफ नंबर एंड ऑफ जीरो नंबर के एंड है, ठीक है और वो डेसिमल से राइट right साइड पर है तो फिर वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा जैसे 65.00, अब पॉइंट से right साइड पर आ रहा है जीरो अब दोनों जीरो right साइड पर मौजूद हैं। इसी तरह सेवन पॉइंट जीरो 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 यहां पर भी क्या है जो डेसिमल है उसके राइट right साइड पर जीरो मौजूद है तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑल हैव फोर सिग्निफिकेंट नंबर यानी कि इन तीनों में चार चार सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि हम पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात की उसके रूल्स के बारे में बात की अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो में जो हमारा पहला है जिसके ऊपर निशान होते हैं मिलीमीटर के ठीक है इट कैन ऑल्सो भी मेजर अ डिस्टेंस टू जीरो मिलीमीटर यानी एक वर्नियर कैलिपर क्या है एक मीटर स्टिक ग्रेजुएटेड यानी कि एक स्टिक है मीटर मीटर स्टिक होती है ना जिस तरीके से आपने पहले भी देखी मीटर स्केल वगैरह ऐसे मीटर स्टिक है जो ग्रेजुएटेड है उसके ऊपर किस चीज़ के निशान आते हैं मिलीमीटर के निशान आते हैं जो कि क्या कर सकता है वन मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है और दफा ये जीरो मिलीमीटर तक भी पैमाइश कर सकता है अब इसकी हम एक शक्ल देखते हैं कि ये किस तरह का है आपके सामने एक फिगर नजर आई ये आपका वर्नियर कैलीपर है इस वर्नियर कैलीपर की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है इंटरनल जॉज और नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल जॉज ठीक है ये क्या है हमारे पास ये इंटरनल जॉज और एक्सटर्नल जॉज है यानी जो नीचे वाले जॉज है हमारे पास ये हम इससे किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं ठीक है आपके सामने लिखा हुआ है लॉकिंग स्क्रू यानी ये स्क्रू जो होता है ये क्या करता है जब हम किसी चीज को फिक्स कर देते हैं तो फिर इससे हम लॉक कर देते हैं यानी फिर वो चीज क्या हो जाती है फिक्स हो जाती है इसके दरमियान आपको एक मीटर स्केल नजर आ रहा है ठीक है बड़ा स्केल ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं इंपीरियल स्केल या मैट्रिक स्केल कहते हैं ठीक है और जहां पर आपको लॉकिंग स्क्रू नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये स्क्रू लगा हुआ है ये रिवॉल्व करता है यानी ये घूमता है आगे पीछे मूव कर सकता है ठीक है यानी ये आगे पीछे मूव कर, कर सकता है इसलिए ये जॉज बंद भी हो जाते हैं और ये जॉज ओपन भी होते हैं इसी मूव की वजह से यह जहां पर आपको लॉकिंग स्क्रू नजर आ रहा है इस लॉकिंग स्क्रू जिस स्केल पर लगा हुआ है इस पर भी ग्रेजुएटेड होता है यह भी ग्रेजुएटेड होता है इसमें भी निशानात होते हैं यह कहलाता है वर्नियर स्केल क्या कहलाता है वर्नियर स्केल कहलाता है ठीक है तो यह एक छोटी सी स्ट्रक्चर है किस चीज की वर्नियर कैलिपर की अच्छा यहां पर आपको एक डेप्थ मेजरिंग ब्लेड नजर आ रहा है बिल्कुल छोटा सा बाहर निकला हुआ ये बेसिकली अटैच्ड होता है हमारे स्केल के साथ ठीक है जो आगे और पीछे मूव करने से यानी ये वर्नियर स्केल के साथ अटैच्ड है जो वर्नियर स्केल को आगे और पीछे मूव करने से ये आगे और पीछे मूव करते हैं बाहर निकलता है ये होता किस लिए अगर आपको किसी होलोस्फेयर की जैसे ग्लास होता है ना ग्लास ये हॉलोस्फेयर है इसके दरमियान में खला होता है जगह होती है हॉलोस्फेयर होता है ठीक है तो अगर आपको किसी होलोस्फेयर की डेप्थ फाइंड करनी है यानी उसकी गहराई मालूम करनी है तो उसके लिए हम ये ब्लेड यूज कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन की बात थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसके पार्ट्स अगर हम देखें तो एक मेन स्केल है ठीक है जैसे हमने मैट्रिक्स स्केल या मेन स्केल की बात की इंपीरियल स्केल लिखा हुआ देखा आपने वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्टील बार हुज वन साइड इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स

के और ये करता है। जैसे मैंने बताया ना आपको फॉरवर्ड है, है? और बैकवर्ड यानी आगे पीछे मूव करता है जिससे हमारा जो है वो जॉज ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं स्मॉल कंसिस्ट ऑफ टेन डिवीजन विच ओवर द मेन स्केल इज नॉन एज अ वर्नियर स्केल ठीक हो गया इसके दो पार्ट्स हो गए तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो थर्ड पार्ट है इसका वो जॉज है हमने जैसे अभी पढ़ा था कि इसके दो जॉज होते हैं एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है देर आर टू जॉज आर प्रेजेंट ऑन अ वर्नियर कैलिपर विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिपर्स वन इज कॉल्ड अपर जॉ एंड द अदर इज कॉल्ड लोअर जॉज फ्लैट रॉड जिसको भी हमने ब्लेड पढ़ा जो हमारे पास हमने पढ़ा था कि स्केल के साथ पीछे अटैच्ड होती है ठीक है जो स्लाइडिंग स्केल होता है हमारा जिसको हमने वर्नियर स्केल का उसके साथ अटैच्ड होता है जब हम वर्नियर स्केल को फॉरवर्ड मूव करते हैं यानी बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो हमारा ब्लेड है या जिसको हम थिन फ्लैट रॉड कह रहे हैं ये भी क्या होती है बाहर निकलना शुरू होती है होती किस लिए है न मेजर द इंटरनल डेप्थ ऑफ अलो सिलेंडर जैसे मैंने कहा था कि जो, hollow spheres होती जो खाली होती है उनकी उनकी लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट क्या होता है द मिनिम मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड वर्नियर कॉन्स्टेंट और लीस्ट काउंट यानी कि हम अगर हम जो वर्नियर कैलिपर से मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकते हैं कम 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 से कम value, कम से कम length, कम से वैल्यू लेंथ डेप्थ हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या हैं? कहते हैं लीस्ट काउंट कहते 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 हैं 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 या हम क्या वर्नियर तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट है क्या इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल यानी अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट निकल आता है अब अगर हम देखते हैं अगर हमारे पास वर्नियर कैलीपर टेन डिवीजन हो जैसा भी हमने पढ़ा था कि वर्नियर कैलीपर जो होता है वो ज़्यादातर यूजुअली जो होता है वो टेन डिवीजन पर कंटेन करता है टेन डिवीज़न के बजाय ट्वेंटी डिवीजन भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टेन डिवीजन्स की तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आएगा क्योंकि स्मॉल डिवीजन मेन स्केल पर अभी आपने पढ़ा जीरो पॉइंट वन होती है अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं टेन से तो क्या आंसर बनता है जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर यानी कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल पर टेन डिवीजन होंगी तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट क्या है बार बार रिपीट कर रहा हूं कम से कम मेजरमेंट यानी कि वो मेजरमेंट कम से कम मेजरमेंट जो वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है वो कितनी होगी जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर होगी लेकिन अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो डिवीजन है वो ट्वेंटी डिवीजन हो ठीक है तो फिर इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा फिर इसका लिस्ट काउंट आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव सेंटीमीटर यानी ये उससे भी कम पैमाइश कर सकेगा। गेज ये एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ठीक है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर स्मॉल लेंथ थिकनेस करेक्टली अपू वन अपॉइंट वन थाउजेंड ऑफ अ मिलीमीटर यानी मिलीमीटर के एक हजारवें हिस्से तक ये पैमाइश कर सकता है और अप टू थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल और थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल तक यह क्या कर सकता है मेजरमेंट कर सकता है यानी कि ये, ये हमारे पास वर्नियर से भी ज़्यादा छोटी चीजें पैमाइश कर सकता। ये आपके सामने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की एक थोड़ी छोटी सी तस्वीर जिसके अंदर आपके पास इसके पार्ट्स मौजूद हैं यह एक रोटेटिंग डिवाइस है ठीक है जिसके आपको पीछे पैकेट पैचेट जो है स्टॉप लगा हुआ है ठीक है इसके अलावा इसका एक मर्नीर राउंड स्केल होता है ठीक है ये मूव करता है रोटेट करता है जिसकी वजह से ये आगे और पीछे मूव करता है मेन स्केल के ऊपर ठीक है इसका एक फ्रेम है इसके अलावा एक स्पाइंडल है स्पैंडल आगे और पीछे मूव करती है जैसे जैसे आप रोटेट करते हैं पीछे से इसका जो मूविंग जो है वो स्केल है इसको जब आप रोटेट करते हैं तो ये जो स्पाइंडल है ये क्या करती है आगे और पीछे मूव करती है अब इनके दरमियान जो गैप जो आपको एरो बनावा नजर आ रहा है जिसमें मेजरिंग फेस एरो दिखाकर शो किया गया है यहां पर अगर आप कोई चीज रखते हैं तो वो क्या करती है लेंथ मेजर करती है क्या करती है लेंथ मेजर करती है जैसे ये एरो है ये इसके बीच में आ रहा है अब ये कितना ओपन हो गया अब आपको स्केल पे नजर आ रहा है कि इसका जो घूमने वाला स्केल है राउंडिंग स्केल है वो क्या हो गया इससे पीछे हो गया सर्कुलर स्केल इसका पीछे हो गया है ठीक है तो यानी ये जितना पीछे होता जाएगा ये जितना ओपन होता जाएगा ये इसकी लेंथ को मेजर कर रहा होगा तो इस तरीके से हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से लेंथ मालूम कर सकते हैं या किसी चीज की थिकनेस मालूम कर सकते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेकेटिव थ्रेड्स ऑफ द लीनियर स्केल इट इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर ऑन द मेन स्केल ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल अच्छा दो स्केल है एक सर्कुलर स्केल है जो मेन स्केल के ऊपर रोटेट कर रहा है अब होता क्या है सर्कुलर स्केल की एक रोटेशन जब मुकम्मल होती है तो क्या होता है मेन स्केल की एक डिवीजन कंप्लीट होती है यानी जब सर्कुलर स्केल को आप एक बार कंप्लीट राउंड देते हैं तो बेसिकली होता क्या है होता यह है कि मेन स्केल की जो एक डिवीजन है वो मुकम्मल हो जाती है यानी कि जो सर्कुलर स्केल है वो एक डिवीजन वर्नियर स्केल पर पीछे या आगे मूव करता है अपने राउंड के एतवार से तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं इसका भी लिस्ट काउंट है इसका लिस्ट काउंट क्या है इसका लिस्ट काउंट मालूम करने का तरीका नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल डिवाइडेड बाय पिच ऑफ द स्केल ठीक है तो अब अगर हम देखते हैं यहां पर अगर 50 फिफ्टी मौजूद हैं स्क्रू गेज के ऊपर तो फिर इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.002 सेंटीमीटर ठीक है और अगर इसके ऊपर 100 डिवीजन मौजूद हैं तो फिर इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर आई थिंक लीस्ट काउंट यहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि लिस्ट काउंट क्या होता है यहां पर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी लीस्ट काउंट वही है जो कि वर्नियर कैलिपर में था क्या था

वो हमने याद करने इसके साथ साथ वर्नियर कैलीपर और स्क्रू गेज के जो पार्ट्स जो कंस्ट्रक्शन जो वर्किंग हमने पढ़ी इस लेक्चर में वो हमने क्या करनी है याद करनी है यह था आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अस्सलामुअलैकुम वरहल वर्का अल्ला हाफिज़